हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है, क्या आ रहा है। ओके, रीडिंग टाइमलेस है, जब भी जिसके सामने आएगा वो देख सकते हो। और सिंगल मैरिड, अनमैरिड, डिवोर्स वीडियो सबके लिए रीडिंग ओपन है। और सारी रिलीजन के लोग रीडिंग को देख सकते हो, और मेल फीमेल कोई भी देख सकते हो। ओके, तो रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जनरल है, सबके लिए ओपन है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है वो हम देखेंगे। प्लीज एंजल गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या आ रहा है, क्या होने वाला है। मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या होने वाला है, क्या आ रहा है। प्लीज एंजल गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या होने वाला है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनके लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं, क्या आएंगे नेक्स्ट 24 आवर्स में, क्या वापस आएंगे नेक्स्ट 24 आवर्स में। कुछ सिचुएशन एंड होगा, और जो सिचुएशन एंड होगा आपके पर्सन वो सिचुएशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वो एंडिंग्स हो, और आप ही उनका विश फुलफिलमेंट हो, और आपके तरफ कॉल मैसेजेस आ सकते हैं। और क्या है, फाइट हो रहा है किसी ना किसी के साथ, और वो सिचुएशन एंड होगा गाइस विद द डेथ आए हैं। तो डेथ के दो दो कार्ड्स आ गए हैं, कुछ तो सिचुएशन एंड होगा और आपके साथ बैलेंस होगा, तो आपके साथ सेपरेशन एंड हो सकता है। सेलिब्रेशन आएगा आपके लाइफ में, आपके लाइफ में खुशियां वापस आ रही है गाइस, आप लोगों का विश फुलफिलमेंट होगा। स्टार कार्ड आए हैं, ये बहुत ज्यादा है। टू मोर कार्ड्स एंजल। ओके, थैंक यू। देखिए यहाँ से भी विश फुलफिलमेंट है, ठीक है। नाइन ऑफ कप्स आए हैं, तो दोनों कार्ड्स आए हैं यहाँ पर विश फुलफिलमेंट के। तो बहुत सारे लोगों का विश फुलफिलमेंट होगा। अगर आपका विश है कि आपके पर्सन वापस आए, कॉल मैसेज करे, बातचीत करे, तो वही विश आप लोगों का जो है फुलफिल होगा। ओके, जो भी आप मैनिफेस्ट किए हो, जो भी आप प्रे करे हो गॉड से, जो भी मांगे हो आप पॉजिटिवली, पॉजिटिव रह के, तो वो आपको मिलने वाला है। ओके, और आपके लाइफ में जो है सेलिब्रेशन आने वाला है। देखिए थ्री ऑफ कप्स, या फिर आने वाले टाइम में नेक्स्ट 24 आवर्स में कोई आप सेलिब्रेशन अटेंड कर सकते हो, शादी वगैरह पार्टी अटेंड कर सकते हो। आपके पर्सन आपके लिए कोई बोल्ड डिसीजन एक्शन लेना चाहते हैं, आपको खोना नहीं चाहते हैं, प्रोटेक्टेड है आपको लेके, आपको शेयर नहीं करना चाह रहे, किसी और से पॉजिटिव हो रहे हैं, आपके बिना दुखी है बहुत ज़्यादा। और कुछ लोग के पर्सन यहाँ पर सेल्फ लव कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और आपको भी सेल्फ लव करना चाहिए, और बहुत ज़्यादा जो है पॉजिटिविटी बढ़ानी है आपके खुद के अंदर, ताकि आप ग्रो कर सको। ओके, तो ये बॉटम ऑफ द डेक था। तो यहाँ पर कुछ सिचुएशन यहाँ पर एंड हो रहा है गाइस। ओके, क्योंकि देखिए ये टेन ऑफ सोर्स है विद द डेथ विद द फाइव ऑफ सोर्स, तो जिसके साथ भी फाइट हो रहा है वो सिचुएशन एंड होगा। अगर आपके साथ पास्ट में फाइट हुआ था, ठीक है, आप दोनों के बीच सेपरेशन चल रहा है, एंडिंग हो चुके हैं सिचुएशन आप दोनों के बीच, आप दोनों का जो भी रिश्ता है वो एंड हो चुका है, आपको बहुत ज़्यादा होप नहीं है, तो उस सिचुएशन में जो है न्यू बिगिनिंग होगा, सेलिब्रेशन आएगा, ठीक है। और आपके पर्सन की विश फुलफिलमेंट आप हो, और आपको कोई ना कोई जेस्चर वो करेंगे। और यहाँ पर टेम्परेंस आया है, तो रियूनियन होगा, ठीक है, कोई पावरफुल डिसीजन आपके पर्सन लेंगे। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो वहाँ पर फाइट हो रहा है गाइस, क्योंकि यहाँ से थर्ड पार्टी भी आ गए हैं। उस सिचुएशन में आपके पर्सन दुखी है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा उनका जो है इकोनॉमिकल लॉसेस हो रहे हैं, ओके। तो चलिए कुछ कार्ड को मैं क्लैरिफाई करती हूँ और देखती हूँ क्यों आया है टेन ऑफ सोर्स, क्यों आया है एंजल यहाँ पर। सोच रहे हैं मूव ऑन करने के लिए,
आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वो फीमेल है या फिर मेल है, कोई लव टू वन है, तो वहाँ से बाहर आना चाह रहे हैं और आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे, हार्मिट मोड में है। देखिए यहाँ से फाइव ऑफ कप्स, यहाँ से फाइव ऑफ पेंटिकल, बहुत ज़्यादा दुखी है आपके बिना। कोई डेविलिस एनर्जी है जिसको एंड करना चाह रहे हैं आपके पर्सन। टेन ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई किया है, तो जो भी डेविलिस एनर्जी है, जो भी कार्मिक एनर्जी है, वो एंड होगा, ब्रेकअप सिचुएशन एंड होगा आपके साथ। ठीक है, आपके बिना दुखी है आपके पर्सन और स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं, पावर गैदर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, उन सारी चीज़ों से मूव ऑन करके आपके तरफ आए, आपको स्टेबिलिटी दे आपके पर्सन। ओके, जो भी देखिए एंडिंग्स के कितने सारे कार्ड्स है, देखिए दी वर्ल्ड आए हैं वहाँ यहाँ पर। ओके, तो एक साइकिल कंप्लीट होगा। अगर आप दोनों के बीच ब्रेकअप सिचुएशन है तो वो सिचुएशन एंड होगा, और डेविल के साथ ब्रेकअप सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वहाँ पर खुश नहीं है आपके पर्सन, तो वहाँ पर जो है ब्रेकअप सिचुएशन क्रिएट होगा और वो सिचुएशन एंड होगा, क्योंकि देखिए दी वर्ल्ड आए हैं और टेन ऑफ सोर्स आए हैं। ओके, और वहाँ से आपके पर्सन मूव ऑन करेंगे पॉजिटिवली। सिक्स ऑफ सोर्स दुखी है उस सिचुएशन में जहाँ पर वो है। ओके, और आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। देखिए इसके बाद भी फाइट आया था, सॉरी टेन ऑफ सोर्स के बाद डेथ आया था। फाइव ऑफ सोर्स क्यों आया है? ट्रिपल फाइव आ चुके हैं, फाइव ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल, फाइव ऑफ सोर्स, तो मेजर चेंज आएगा आपके रिश्ते में आने वाले टाइम में। फाइव ऑफ सोर्स क्यों आया है एंजल? फाइव ऑफ सोर्स, अगर आपके साथ फाइट हुआ था तो रियूनियन होगा गाइस, वापस आ रहे हैं आपके पर्सन। देखिए आपको क्लैरिटी देंगे, अगर आपको धोखा देके गया था, उनका कर्मा उनको मिल चुका है, व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ धोखा आया है, तो जो भी उन्होंने धोखा दिया था उनका कर्मा पे बैक उनको हो चुका है। केयर फ्री होके वो वापस आना चाह रहे हैं, जो भी दो सिचुएशन है, कन्फ्यूजन है, थर्ड पार्टी है, वहाँ से केयर फ्री होके वापस आएंगे, उस सिचुएशन को काट ऑफ करेंगे, आपको क्लैरिटी देंगे और रियूनियन होगा आपके साथ। डेथ क्यों आया है? थर्ड पार्टी एंडिंग्स होगा। एम्प्रेस थर्ड पार्टी आ गई है, देखिए 3-3। ओके, और कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर, देखिए मदर ऑफ वेंस, मदर ऑफ कप्स, मतलब दो सिचुएशन है। ओके, दो सिचुएशन में से एक सिचुएशन एंड होगा, एक के साथ न्यू बिगिनिंग होगा, तो जिसके साथ ऑलरेडी एंडिंग्स होके है, मतलब अगर आपके साथ ऑलरेडी एंडिंग्स है तो यहाँ पर न्यू बिगिनिंग होगा। ओके, और आपके साथ जो है रियूनियन होगा, ये तो आया है इसको क्लैरिफिकेशन में, और यहाँ से न्यू बिगिनिंग। फाइव ऑफ कॉइंस क्यों आया है? फाइव ऑफ कॉइंस दुखी है आपके पर्सन, और आपको स्पाई कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपके बारे में वो जान रहे हैं, जितना जान रहे हैं उतना ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, देख रहे हैं कि आप खुश हो, आप उनके लिए वेट नहीं कर रहे हो। ओके, या फिर आपके आप उनके लिए दुखी नहीं हो, तो वो बहुत ज़्यादा जो है अपसेट हो रहे हैं आपको देख के, स्पाई करके, कि आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, और जिस भी सिचुएशन में वो स्टक था वहाँ से बाहर आना चाह रहे हैं। डॉटर ऑफ पेंटिकल आपको जेस्चर करना चाह रहे हैं, देखिए डॉटर ऑफ सोर्ड, डॉटर ऑफ पेंटिकल, तो वो वापस आना चाह रहे हैं, जिस भी थर्ड पार्टी में अटके हुए हैं बैलेंस करना चाह रहे हैं। देखिए फिर से एट ऑफ बैंड्स है बॉटम से। फोर ऑफ पेंटिकल क्यों आया है? बार्डन, कुछ बार्डन है, इसीलिए आपके पर्सन इमोशनल है, लेकिन उस बार्डन से बाहर आएंगे, बार्डन की वजह से स्लीवलेस नाइट है। ओके, उस बार्डन से बहुत क्विकली बाहर आना चाहते हैं, डेडिकेटेड है इन सारे प्रॉब्लम से कैसे बाहर आए उसके लिए ही वो डेडिकेटेड है बहुत ज़्यादा, और जजमेंट आपकी तरफ होगा, बैलेंस आएगा और रियूनियन हो जाएगा यहाँ पर। विक्ट्री के साथ रियूनियन आया है, तो आपके पर्सन सक्सेसफुली आपके तरफ आना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, अगर मैरिड हो तो वापस आ रहे, रियूनियन होगा। ओके, तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है गाइस, देखिए आपके लिए पॉजिटिव है, डेविल के लिए, डेविल के साथ एंडिंग्स हो रहे हैं सिचुएशन, बहुत क्विकली आ रहे आपके पर्सन, आपको शादी भी करेंगे, आप भी उनका विश फुलफिलमेंट हो। ओके, विश फुलफिलमेंट के दोनों कार्ड्स आए हैं।
देखिए विद द सेलिब्रेशन। और कितना पॉजिटिव चाहिए आपको, सारे ही कार्ड्स आ गए हैं पॉजिटिव। ठीक है, तो आपके पर्सन आ रहे हैं, आपके साथ यूनियन होगा, विक्ट्री सक्सेस आपको मिलेगा और आपका विशेस फुलफिल होगा। ओ सॉरी, डेस्क इतना स्लिपरी है कि कार्ड्स गिर रहा है। क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैजिशियन क्यों आया है, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सन ऑफ पेंटिकल जेस्टर करना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं, फाइट हुआ है, थर्ड पार्टी के साथ फाइट हुआ है या फिर आपके साथ पास्ट में फाइट हुआ था, तो आपके पर्सन इमोशनल हो रहे, मिस कर रहे आपको और सारे ऑप्शन को छोड़ के तोड़ के वो आपके तरफ वापस आना चाह रहे हैं। एट ऑफ कप्स इमोशनल है आपके लिए, इसीलिए आप मैनिफेस्ट हो रहे हो, वो इतना ज़्यादा सोच रहे हो आपके बारे में, आप मैनिफेस्ट हो रहे हो। टेम्परेंस क्यों आया है, कब तक रियूनियन होगा, कितने टाइम में रियूनियन होगा, क्या नेक्स्ट 24 आवर्स में रियूनियन हो जाएगा। पेशेंटली प्लानिंग कर रहे, सेवन ऑफ पेंटिकल पेशेंटली प्लानिंग कर रहे आपके पर्सन, ओके आपके तरफ आने के लिए, सेवन सेवन की एनर्जी है। ओके, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो भी वेटिंग है, जो भी लॉन्ग डिस्टेंस है, अगर किसी और से मैरिड है आपके पर्सन तो वहाँ से बहुत क्विकली बाहर आएंगे, अगर आपसे मैरिड है लॉन्ग डिस्टेंस में है या फिर कोई अदर सिचुएशन है आपके पर्सन के लाइफ में, तो फिर से आपके तरफ आएंगे विद द चैरियट, आपके तरफ डिसीजन लेंगे, आपके साथ यूनियन रिकॉन्सिलेशन होगा विद द टेम्परेंस, जो कि बैलेंस और यूनियन को दिखाता है। ठीक है, तो आपके पर्सन शादी में वापस आ रहे हैं, अगर सिंगल हो तो आपको मैरिड कमिटमेंट देंगे आने वाले टाइम में, अगर आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है तो वहाँ से बाहर आ रहे हैं। ओके, पेजेस के बहुत सारे कार्ड आ गए, डॉटर ऑफ कप्स, डॉटर ऑफ सोर्स, डॉटर ऑफ पेंटिकल, ठीक है, सारे डॉटर 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 यहाँ पर आ गए, कप सोर्स पेंटिकल सारे ही आ गए हैं। क्लैरिटी भी देंगे, इमोशनल भी है, स्टेबिलिटी भी देंगे। फिर से यहाँ पर देखिए, ओ माय गॉड, डॉटर ऑफ वैंड्स, मिरेकल है गाइस, मैं बोल रही थी तभी मुझे नजर आया। और यहाँ पर देखिए कार्ड्स, डॉटर ऑफ वैंड्स, डॉटर ऑफ कप्स, डॉटर ऑफ पेंटिकल, डॉटर ऑफ सोर्स, तो कॉल मैसेज जरूर रिसीव होगा गाइस, इतना सारा जेस्चर के कार्ड, कॉल मैसेजेस के कार्ड है। ठीक है, आपके पर्सन आएंगे आपके तरफ जरूर, हो सकता है कुछ लोगों का टाइम लगे लेकिन आएंगे। कौन सा विश फुलफिलमेंट होगा मेरे व्यूवर्स के, क्या विश फुलफिल होगा, आ रहे आपके पर्सन, सन ऑफ पेज ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स, सन ऑफ वैंड्स, ओके आपके साथ ही कॉम्प्लीशन चाहते हैं, टेन ऑफ कप्स चाहते हैं, जो भी चॉइसेस है जिसमें भी आपके पर्सन हैंग्ड है, हैंग्ड सिचुएशन, दी हैंग्ड मैन चॉइसेस, सेवन ऑफ कप्स कन्फ्यूजन, उन सारी चॉइसेस से अगर आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है या फिर आप दोनों मैरिड हो, एम्प्रेस आए हैं और यहाँ पर एम्परर है, तो अगर आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हो एक दूसरे से, तो यहाँ पर फैमिली अगर थर्ड पार्टी है तो वहाँ से बाहर आ रहे हैं आपके पर्सन, यही विशेस फुलफिल होगा। ठीक है, उन्होंने डिसीजन ले चुके हैं, प्रिपरेशन ले चुके हैं, बस आपके तरफ आ रहे हैं, अगर आपके पर्सन किसी और से मैरिड है, कार्मिक शादी में है, तो वहाँ से वापस आ रहे हैं, अगर आप सिंगल हो तो आपके पर्सन वापस आ रहे हैं, आपके आपको मैरिज कमिटमेंट देंगे और आपके साथ सेलिब्रेशन आएगा। कब तक सेलिब्रेशन आ सकता है, कब तक सेलिब्रेशन आ सकता है, सेलिब्रेशन कब तक आएगा, एंजल्स सिक्स, न्यू बिगिनिंग, फादर ऑफ पेंटिकल, स्टेबिलिटी मिलेगा, तो सिक्स डेज के अंदर बहुत सारे लोगों का यहाँ पर कॉल मैसेजेस आ सकता है या फिर आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में आप लोगों का विशेस फुलफिल हो सकता है। तो सारे पॉजिटिव कार्ड्स यहाँ से निकल कर आ गए हैं, तो आपके पर्सन वापस आ रहे हैं आपके तरफ, ओके, शादी भी आ गए हैं यहाँ पर, सेलिब्रेशन भी आ गए हैं, ओके तो जितना लू मुझे यहाँ पर कम पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही सारे जो है पॉजिटिव कार्ड्स निकल कर आ गए, चैरियट आए हैं, नाइन ऑफ कप्स आए हैं, ओके टेम्परेंस आए हैं, न्यू बिगिनिंग के यहाँ पर दो कार्ड्स मुझे नज़र आ रहा है फिलहाल, देखिए विद द फूल,
और एक तरफ डेविलिश एनर्जी का भी एंड हो रहा है। तो एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव है आप लोगों के लिए, तो आपको थोड़ा सा सब्र रखना है। बहुत ज़्यादा जो है इम्बैलेंस एनर्जी में मत जाओ, नेगेटिविटी में मत जाओ, ठीक है। आप वेट कर रहे हो तो पॉजिटिवली वेट करो। चलिए देखते हैं इस डेक से कि एनर्जी कैसा है। जैसा हमने देखा वैसा ही है या कुछ अलग है, इस डेक से हम देखते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या आ रहा है मेरे व्यूअर्स के लाइव में। 5 कार्ड्स मैं यहाँ से लूँगी। नेक्स्ट 24 आवर्स में मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में क्या आ रहा है, नेक्स्ट 24 आवर्स में मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में क्या आ रहा है, प्लीज एंजल गाइड मी। नेक्स्ट 24 आवर्स में मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में क्या आ रहा है। 1, 2, 3, 4, 5 बॉटम ऑफ द डेक वेटिंग। तो आप भी वेटिंग में हो, आपके पर्सन भी वेटिंग में है, दोनों ही वेट कर रहे हो, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकते हैं। देखिए यहाँ से वहाँ से पेजेस की एनर्जी आया था, यहाँ पर भी आ गए हैं। तो क्वीन ऑफ का सॉरी तो पेजेस की एनर्जी है, यहाँ पर पेज ऑफ हार्ट आया है। तो आपके पर्सन कोई ना कोई जेस्चर आपको जरूर करेंगे, ठीक है। इमोशनल है आपके तरफ, प्यारी एनर्जी में है, लॉयल है, ठीक है। पेज ऑफ काफ्स आया है और दी स्टार, वहाँ से भी दी स्टार आया था, देख लीजिए आप लोग। जस्ट 5 कार्ड्स लिए हैं, वहाँ से भी स्टार आया था फास्ट क्लैरिफिकेशन में, फास्ट पीरियड में। और यहाँ पर थर्ड पार्टी आ गए हैं, 2 ऑफ पेंटिकल, दी हार्मिड। आपके पर्सन सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, वहाँ से भी हार्मिड आया था। यस, आपको स्टेबिलिटी देंगे, कमिटमेंट देंगे, एक साइकिल यहाँ पर एंड होगा दी वर्ल्ड। तो आपका कोई ना कोई विश फुलफिलमेंट होगा, ओके। आपको ही आपके पर्सन प्रे कर रहे हैं, आपको जेस्चर करना चाहते हैं, आपके तरफ आना चाहते हैं। कोई दो सिचुएशन है लेकिन आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हार्मिड मोड में है, सोच रहे हैं, ओके। सेल्फ लव कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, आपको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, आपको स्पाई करते हैं, देखते हैं, ओके। और यहाँ पर जो है एक साइकिल एंड होगा, कौन सा साइकिल, यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड होगा। दोनों तरफ से थर्ड पार्टी है, वेटिंग है। अगर पहले उन्होंने आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया था तो इमोशनल है, तो एक साइकिल यहाँ पर एंड होगा और आपको स्टेबिलिटी कमिटमेंट देंगे, इसीलिए वो सोच रहे हैं, हार्मिड मोड में है। आपका विश फुलफिलमेंट होगा, आपके पर्सन आपके तरफ वापस आएंगे, ठीक है। तो सेम कार्ड से निकल कर आए हैं गाइस, तो मोनोलॉजी डेक से कुछ गाइडेंस आप लोगों के लिए देख लूंगी कि क्या गाइडेंस है, ओवरऑल क्या गाइडेंस फॉलो करनी चाहिए आपको, ताकि ये एनर्जी जो है आने वाले टाइम में आपसे पूरी तरीके से रेजोनेट हो, आपको दिखे, आपको मिले इसकी ब्लेसिंग्स। प्लीज एंजल गाइड मी, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, क्या आ रहा है नेक्स्ट 24 आवर्स में, नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या आ रहा है, क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। देखिए, द एंड ऑफ आर टफ साइकिल अप्रोचेस। जैसे कि हमने देखा कि ब्रेकअप सिचुएशन एंड हो रहा है और डेविलिश एनर्जी एंड हो रहा है, तो आपके लाइफ में से एक टफ साइकिल एंड हो रहा है। प्रॉस्पेरिटी लाइट अहेड, प्रॉस्पेरिटी लाइट अहेड। तो आपके सामने जो है लाइट आ रहा है, होप आ रहा है, आपको थोड़ा और आगे बढ़ना है और आपको दिखेगा। ए न्यू स्टार्ट इज कमिंग, तो न्यू स्टार्ट आ रहा है, न्यू बिगिनिंग होगा आपके लव लाइफ में। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, तो कुछ लोग काम में खुद को बिजी कर रहे हो, खुद के लिए टाइम नहीं निकाल रहे हो, फ्री नहीं हो रहे हो, सेल्फ लव नहीं कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर बोल रहा जा रहा है टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। तो खुद के लिए टाइम निकालो, सांस लो, थोड़ा सा रिलैक्सेशन में रहो, खुद को प्यार दो, केयर दो, ओके। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो तो आपको यही बोला जा रहा है कि खुद के लिए टाइम निकालो, खुद को नर्चर करो, प्यार करो, हैप्पीनेस दो, जो भी आपको हैप्पीनेस फील करवाता है वो सारी चीज़ें करो। बॉटम ऑफ द डेक है लक इज इन योर साइट, तो लक आपके तरफ है, आपके फेवर में है, आपके लिए काम कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर सारे ही पॉजिटिव कार्ड्स निकल कर आए हैं। दी एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, प्रॉस्पेरिटी लाइट अहेड, सामने आपके लिए प्रॉस्पेरिटी आ रहा है, ए न्यू बिगिनिंग आ रहा है, और लक इज इन
लक इज ऑन योर साइड, तो लक आपके तरफ ही है। तो पांच कार्ड मैंने यहाँ से लिए हैं, चार कार्ड जो है बहुत पॉजिटिव है, और ये जो कार्ड है आपको खुद के ऊपर ध्यान देना है, खुद के लिए टाइम निकालना है, खुद को प्यार और नर्चर करना है, ठीक है। तो गाइस ये है आप लोगों के लिए नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए रीडिंग। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक करना, पॉजिटिविटी मिलता है आपको यहाँ से। अगर आप बैलेंस रह पाते हो तो फिर आपको कमेंट में बताना है और पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। और कॉल मैसेज आता है तो ज़रूर से मुझे जो है कमेंट में बताओ, ओके। ज़रूर से आपको बोलना चाहिए कमेंट में कि कॉल मैसेज आ रहा है, आपको रिसीव हो रहा है, ताकि सबको पॉजिटिविटी मिले। आपका एक कमेंट जो है बहुत सारे लोगों को होप्स दे सकता है, पॉजिटिविटी दे सकते हैं। मुझे भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलती है, खुशियाँ मिलती है कि आप लोगों का रियूनियन हुआ है, ओके। तो गाइस आज के लिए यही तक, ओके। इस रीडिंग को मैं यहाँ पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे, नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर योर सेल्फ एंड ऑल्सो अदर्स। हेल्प जितना हो सके दूसरों का कर देना, ताकि आपका ही भला ही है, ओके, और दूसरों को भी हेल्प मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर योर सेल्फ।